रामपुर में जिला पंचायत के लिए सदर का चुनाव हो रहा है और इस वक्त यहाँ दो पार्टी के दरमियान जो है कांटे की टक्कर देखी जा रही है, एक बीजेपी और दूसरे समाजवादी पार्टी। वहीं यहाँ बड़ी तादाद में किसान भी पहुँचे हैं, आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये तमाम किसान लोग हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये लोग यहाँ किसका समर्थन करने पहुँचे हैं, यहाँ जो इलेक्शन चल रहा है यहाँ किसका समर्थन करने ये कर रहा है कि जो बीजेपी को हरा है, इसलिए एक प्रत्याशी खड़ा है समाजवादी का, जब वो तो हम उसके समर्थन में आए हुए हैं, इसलिए आए हुए हैं कि हमें बीजेपी से नफरत है। हमारे 7 महीने हमें किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पर पड़े हुए हो गए, दिल्ली में पड़े हुए हो गए, जो सरकार के बहुत करीब में है, वो सरकार ने 7 महीने से जब हमारी नहीं सुनी तो हम लोगों ने ये सोचा है कि जो इसे हराएगा हम उसका समर्थन करेंगे। आप क्या देखते हैं, किस तरह का आप बदलाव देखना चाहते हैं यहाँ क्या? जी हम समाजवादी के साथ हैं। किस लिए समाजवादी के साथ आए, क्या चीज़ किस के नाम? बीजेपी ने बहुत जुल्म कर लिया अब तक किसानों पर, इसलिए हम समाजवादी के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज यहाँ जो इंतखाब चल रहा है? अभी अभी हमें सूचना मिली है कि जहाँ से एंट्री हो रही है वहाँ पे 32 दिखाया जा रहा है 32, और अंदर एंट्री में 34 दिखाया जा रहा है, क्योंकि एक मतदाता ने बताया कि अंदर घपला हो रहा है, जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें बिठाया जा रखा है, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके वोट पंक्ति में लाइन में लगा के पहले पड़वाए जा रहे हैं। धांधली हो रही, वो परेशान है, मतलब थके हुए हैं, एक तरफ बैठा दिया है, उनके वोट नहीं पड़ने दे रहे हैं। आप जो अंदर ध्यान दें, क्योंकि ये धांधली कर रहे हैं। धांधलीबाजी यहाँ किसकी धांधली आपको दिखाई दे रही, कैसे अलग क्या लगा? जनता पार्टी, क्योंकि यहाँ पे 32 दिखा रहा है एंट्री में, यहाँ तो बड़ी पैमाने पर पुलिस फोर्स लगी हुई है और अंदर यहाँ जो है अफसरान भी मौजूद है। आपकी बात से हम सहमत है, लेकिन अंदर जो मतदाता हैं, एक मतदाता आए उन्होंने बताया कि आपके वोट नहीं पड़ने दिए जा रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के वोट पड़े हैं, अब तक जितने पड़े हैं कुल आपका एक वोट भी नहीं पड़ा है, आपके मतदाता बैठे हुए हैं, परेशान हैं, मतलब थक गए हैं, तापमान काफ़ी है ना, पानी की सुविधा है, बहुत परेशान है। तो आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, यहाँ आपके जो साथ में यहाँ जो रहनुमा भी मौजूद है, समाजवादी पार्टी के कई सारे लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, क्या आप उनसे ये शिकायतें नहीं कर रहे? सर हम आपके मीडिया के माध्यम से करना चाहते हैं, क्योंकि ये गलत हो रहा है, सभी का मतदान देने का अधिकार है, सबको समान रूप से मतदान करना चाहिए और कर दिया जाना चाहिए, उन्हें मतदान करने का मौका दिया जाना चाहिए, उन्हें रोक रखा है, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मतदाता अंदर गए हैं अब तक उनका कुल मतदान हो चुका है, और जो अन्य मतदाता हैं वो सपा के हों, भारतीय किसान यूनियन से हों, तीसरे मोर्चा के हों, या आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्हें बिठाया जा रखा है। ये तो सीधे तौर पर यहाँ किसान ये कह रहे हैं कि एक तरफ यहाँ जो समाजवादी पार्टी का जो है यहाँ हिमायत करने पहुँचे हैं वो, दूसरी जानब उनका कहना है कि जिस तरह से जो हुक्मरान पार्टी है यहाँ वो कहीं ना कहीं घपलेबाजी में लगी हुई है और वहाँ उनके वोट पड़ने नहीं दिए जा रहे हैं, ये यहाँ इन किसानों का इल्ज़ाम है। अब देखने वाली बात यह होगी जिस तरह से यहाँ बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स लगी हुई है, अफसरान यहाँ मौजूद हैं, उनके दरमियान क्या शफाफ साफ व शफाफ यहाँ इंतखाब हो सकेगा या नहीं? ईटीवी भारत के लिए रामपुर से अबुल कलाम।